का निर्देशन अनीस बज़मी ने किया है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने इस दिवाली पर शानदार ओपनिंग की। सेक्निल्क के अनुसार दूसरे दिन फिल्म ने 36.50 करोड़ रुपए शुरुआती अनुमान कमाए। 2 दिनों के बाद घरेलू बाजार में फिल्म की कुल कमाई 72 करोड़ रुपए है। तरण आदर्श की रिपोर्ट के अनुसार भूल भुलैया 3 को शनिवार को कुल मिलाकर 75.06% हिंदी ऑक्यूपेंसी मिली। ऑक्यूपेंसी का विवरण साझा करते हुए सेक्निल्क ने बताया कि फिल्म को सुबह के शो में 45.63% मिली। यह संख्या बहुत अधिक थी क्योंकि फिल्म ने शाम के शो में 86.92% और रात के शो में 87.17% ऑक्यूपेंसी दर्ज की। कार्तिक आर्यन ने फिल्म की तीसरी किस्त में रूह बाबा के रूप में अपनी भूमिका दोहराई है, जबकि विद्या बालन ने 17 साल बाद फ्रेंचाइजी में शानदार वापसी की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की तारीफ की और एक्स पर एक पोस्ट में इसके पहले दिन के प्रदर्शन के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा, ब्रांड BB3 विजय होकर उभरा है। भूल भुलैया 3 असाधारण है, सभी गणनाओं और अनुमानों को बड़े अंतर से गलत साबित करता है, उन्होंने अपने पोस्ट में कहा। जबकि राष्ट्रीय श्रृंखलाओं PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस 15.91 रुपए करोड़ ने शानदार परिणाम दिखाए हैं। मास मार्केट क्षेत्रों, विशेष रूप से सिंगल स्क्रीन में भूल भुलैया 3 का प्रदर्शन उल्लेखनीय है। जन केंद्रों में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी सिंघमगेन के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखना अपने आप में एक प्रभावशाली उपलब्धि है। बॉलीवुड फिल्मों से संबंधित अधिक नवीनतम अपडेट के लिए भतीजा मूवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।